प्रेजेंटेशन अच्छी है और आपका टेस्ट तो डेफिनेटली अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, जो ऑयल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, रॉ मटेरियल ले रहे हैं, वो भी चीज़ें अच्छी है, इसी वजह से हम भी आ रहे हैं। बेसिकली मेरा जो फेवरेट है वही मसाला डोसा है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रियांश त्यागी ब्लॉग में। जैसा कि भी आपने हमने लास्ट वीडियो देखी थी, अभी हमारी हम रामलीला की आपको प्रिपरेशन दिखाई थी, तो ये जस्ट उसी दिन की है। पहले आपको बता दूँ दरअसल हुआ क्या था, हम वो वीडियो शूट करके हम जा रहे थे और जैसे ही रामलीला मैदान से बाहर निकले, राइट हैंड साइड पर मेरी नज़र पड़ती है यहाँ पे, क्या है ये है, इसमें यूनिक जो चीज़ है 71 वैरायटी ऑफ डोसा, 71 तरह के डोसा सर्व कर रहे हैं। तो ये देखा एकदम नया, मुझे एकदम चौका, दिखने में भी बड़ा कूल, एकदम बढ़िया ज़बरदस्त लग रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अंदर जाया जाए, टेस्ट भी किया जाए, प्रिपरेशन भी की जाए और इधर के ऑनर से बात भी की जाए कि क्या क्या 71 की वैरायटीज़ ऐसी क्या हैं, क्या स्पेशल है, सब कुछ बाकी जानकारी आपके पास पहुँचाते हैं। ब्लॉग को शुरू करते हैं, आइए चलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं यहाँ के ऑनर से। हेलो, तो मैम बड़ा यूनिक सा मुझे कॉन्सेप्ट आपका ही दिखाई दिया, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये 71 ऑफ वैरायटीज और डोसा, तो ये कहाँ से आपने खोज निकाला, आपने पहले डोसे में ही ऐसे इन्वेस्ट किया और वो भी 71 अलग, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या थीम थी, आपने क्या सोचा था, तो थोड़ा सा अपने रेस्टोरेंट इसके बारे में मुझे जानकारी देंगे। मैंने सोचा था कि नॉर्मल डोसा तो सभी खाते हैं, मसाला डोसा तो सभी ट्राई करते हैं, कुछ डिफरेंट यूनिक सा होना चाहिए हमारा कॉन्सेप्ट। सो हमने अपने माइंड से ही सोचा है कि हम अलग अलग वैरायटीज के डोसा बनाएं। तो सो हमने 71 वैरायटीज ऑफ डोसा, मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ दोनों यहाँ पे, पहले हम टीचिंग लाइन में थी, तो हमने ये कॉन्सेप्ट फिर सोचा बैठ के, बहुत हमने बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। तो फिर हमने सोचा कि अलग अलग वैरायटीज होनी चाहिए उस डोसेज की, तो फिर हमने जिनी डोसा का देखा कि जिनी डोसा में क्या क्या स्टफिंग होगी, कैसे कैसे होगा, कि परांठास तो सभी लाइक करते हैं, तो ऐसा कुछ खास डोसा में भी होना चाहिए कि सबके मुंह में पानी आ जाए देखते साथ। तो फिर हमने ये डोसा ट्राई करे, पहले हमने घर में शुरुआत करी। अच्छा। हाँ जी, तो पार्टीज हमने घर पे भी रखी तो सबको बहुत टेस्टी लगा। उसके बाद हमने एक छोटा सा अभी कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा है, हमारा स्टार्टअप है अभी। सबसे ज्यादा आपका जो फेमस है, जो कह सकते हैं कि कौन सा वाला डोसा है जो चल रहा है, आप कौन सा सजेस्ट करेंगे कि हम किस कौन सा टेस्ट हम अपने व्यूअर्स के पास पहुंचा सके कि उनको भी थोड़ा सा यूनिक लगे, कॉन्सेप्ट लगे, कौन सा वो डोसा आप मुझे सजेस्ट करेंगे? मैं आपको सजेस्ट करूंगी हमारा गोलमाल डोसा। गोलमाल डोसा? हाँ जी, एक बार आप भी ट्राई करें, आपको देखते सारे मुँह में पानी आ जाएगा। बिल्कुल ट्राई कर लें। तो आइए फ्रेंड्स, आप डोसे की आपको प्रिपरेशन दिखाते हैं। मैम ने जैसे बातें करी अभी से मुंह में पानी तो आ चुका है, तो आइए देखते हैं इनकी प्रिपरेशन, उसके बाद आपके पास में टेस्ट पहुंचाते हैं। जैसे दूर आ रहा देखा, चलो बोलते रहिए। वेजिटेबल सारी सब्जी मिक्स है इसमें, क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर? इसके अंदर कैप्सिकम है, ऑनियन है और अपने पत्ता गोभी सब्जी है। यह बटर डाल रहा हूँ, अमूल का बटर है। अभी ये चीज़ डाल रहा हूँ, थोड़ा पनीर डाल रहा हूँ, मेयोनीज डाल रहा हूँ, शेजवान चटनी, शेजवान चटनी है, चिल्ली सॉस, इसको मिक्स करेंगे। इसमें आलू वाला जो होता है वो आलू नहीं होगा इसमें, आलू आलू का वो नहीं होता, ना आलू नहीं होगा, ये हमारा सीक्रेट मसाला है। ये कौन सा मसाला है? ये मसाला स्पेशल बनाते हैं, ये आपका अपना स्पेशल मसाला? हाँ जी, आप वो भी रहेंगे, ये हमारा स्पेशल मसाला, हम अपना खुद बनाते हैं, पनीर डालेंगे।
चकुंदर डालेंगे, चकुंदर है, एक गोलमाल हो रहा है सर, फिर चीज डलेगा, ये चीज है सर, चीज अमूल चीज, ये सर इसके लिए जाएगा अभी। देख कर के भाई तो भूख लग गई है, भूख का हालांकि अभी टाइम नहीं है, अभी लगभग 7 बज रहे हैं शाम के, लेकिन देख करके ही भूख लग चुकी है मुझे। अपना डिनर होने वाला है यहीं पे, अब निकले थे किसी और काम से, डिनर करके जाने वाले हैं। तो मैम की स्पेशल डिमांड पे हमारा गोलमाल डोसा हो गया है तैयार, ये सामने लग चुका है, आप देख रहे हैं। कुछ ना कुछ तो गोलमाल होने वाला है, खा करके पता पड़ेगा क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच मैम, इतना बढ़िया, देख करके ही भूख लगने लगी है। तो ये आपकी अपनी खुद की रेसिपी है? तो आपकी है या आपके हस्बैंड की है? मेरी है। अच्छा, हस्बैंड को क्रेडिट नहीं देंगी। चलिए, जितना दिखने में खूबसूरत लाजवाब लग रहा है, आप देखते हैं इसका स्वाद कैसा है, उसके पास आपके पास पहुंचाते हैं। तो ये इनका सांभर है, सांभर भी काफ़ी अच्छा, एकदम ठीक है, कोई ऐसा नहीं है बहुत पतला है। मेरे को तो सांभर कुछ कुछ ही याद दिला रहा है, अगर आप लोग गए हो सरवना भवन CP कनॉट प्लेस, ये बिल्कुल वैसा है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इससे, इसकी बाइट ले करके। पहले मैं इसको ऐसे ही टेस्ट करता हूँ बिना इसके, ताकि इसके मसाले आपके पास पहुँच सके। जब आप कोई चीज़ क्वालिटी की डालते हैं ना, तो वो पता पड़ जाता है पहली बाइट में। अमूल का चीज़ है, अमूल का बटर है, पनीर भी आपका जो है फ्रेश है एकदम, तो सारी की सारी चीज़ें जो है इन्होंने एक क्वालिटी की डाली हुई है। प्लस जो इसमें सेजवान जो डाली हुई है ना, वो इसको और ऊपर कर रही है, यूनिक है। और आपको बता रही, इसमें आलू नहीं है, ये दिख रहा है इसके अंदर आलू है ही नहीं, जैसे आलू नहीं खाना तो वो उसके लिए तो बेस्ट है ये। आप आइए, आप इसको ट्राई करते हैं इनके सांभर के साथ में। बहुत ज़बरदस्त, साउथ इंडिया में आ चुके हैं आप, यहाँ पे 71 वेराइटीज जो है पूरी साउथ इंडिया की मैडम लेके यहाँ पे आ चुकी हैं, मज़े आने वाले हैं। अब ट्राई करते हैं इनकी चटनियाँ, ये है सिंपल नारियल वाली चटनी, नारियल की जो अपनी एक रिचनेस है ना, जो अपनी मिठास होती है, प्रॉपर वो फील आ रही है, साफ पता पड़ रहा है कि एकदम ग्राइंड करके बड़ी मेहनत तसल्ली करके बनाया गया है। और ये कौन सी चटनी है मैडम? ये टमाटो गार्लिक पेस्ट, टमाटो गार्लिक पेस्ट। बहुत जबरदस्त, ये वो वाली चटनी नहीं है जो आपको जनरली आपको डोसा की शॉप पे जो आप जाते हो मिल जाती है, ये वो चीज नहीं है, ये अलग है। तो मैम इसका गोलमाल रखने का रीजन क्या था? पता नहीं चलेगा कि अंदर क्या-क्या मिक्स है। टेस्ट में तो बहुत ही, पर मैंने अपने कुछ व्यूअर्स को बता दिया थोड़ा सा क्यों डाला हुआ है, ये शायद आपको आसानी से मिलेगा भी नहीं कि डोसे के अंदर आपको ये सब चीजें मिल रही है, इतना यूनिक कॉन्सेप्ट है। और ये जो इसके ऊपर ये जो बनाया हुआ, इसके ऊपर जो दबा करके इस पर चीज डाला हुआ है ना, मजा आने वाला है। तो अपना डिनर करते हैं अब हम यहाँ पे, और मैम का शुक्रिया करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों के पास में मैम, आप अपने रेस्टोरेंट का टाइमिंग
और लोकेशन एक बार हमारे व्यूअर्स को बताएंगे प्लीज। कवि नगर एम ब्लॉक नियर रामलीला ग्राउंड 11 to 10 PM। ओके, ऑल 7 days ओपन। ओके, सातों दिन खुलता है, सुबह 11 से रात के 10 तक। और आप आइए यहाँ पे टेस्ट कीजिए। वैसे भी अभी जबरदस्त मेले का आयोजन होने वाला है, तो उसके लिए बहुत बिल्कुल आप गेट पे पहुँचेंगे रामलीला मैदान के, आप यहाँ पे आ जाएंगे। हमारा वैरायटीज ऑफ चांप आने वाला है। ओके, और चाइनीज भी हम सोच रहे लाने का। ग्रेट। तो दोस्तों, क्योंकि मैं इसको खा करके इतना सेटिस्फाई हो चुका हूँ, अगर हमें मौका मिलेगा और जब इनका मैम का चाइनीज वाला या इनका चाप का कॉन्सेप्ट चालू हो जाएगा, अगर हमको टाइम मिला तो हम यहाँ पे दोबारा जरूर आएंगे और आके उसका भी टेस्ट आपके पास पहुँचाएंगे। जबरदस्त स्टार्टअप और इतना अच्छी प्रेजेंटेशन, तो मैम जो आपका जो हार्ड वर्क है वो यहाँ से दिख रहा है, तो मेरी टीम की तरफ से और हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। और आई विश कि हम जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो और भी कुछ ग्रोथ होगा, और जब अगली बार आएंगे तो आप कुछ नया हमको खिलाएंगे। तो दोस्तों, फिलहाल आप हमें अब इजाज़त दीजिए, इसी के साथ हम यहाँ पे ब्लॉग को ख़त्म करते हैं और जल्दी मिलते हैं आपसे अपने यूट्यूब चैनल प्रियांक त्यागी ब्लॉग पे। जय हिंद।